हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद दीदी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यहाँ पर होममेड चिबड़ा नमकीन या पोहा नमकीन, जो कि बहुत ही इजी तरीके से और कम ऑयल के साथ हम इसको रेडी कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, चलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को कि चाय का ये टी टाइम स्नैक्स किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कच्चे पीनट लिए हैं और इसको डालेंगे हम ऑयल, कोई भी फूड ऑयल ले लीजिए आप या रिफाइंड ऑयल, और उसमें हम डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको क्या करेंगे, गोल्डन कलर का या क्रंची होने तक इसको भून लेंगे चलाते हुए। चलाते हुए जो हमारे पीनट्स हैं यानी मूंगफलियां हैं वो अच्छे से सिक गई हैं, कलर चेंज हो चुका है, और अब हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और हम ये कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। पीनट अच्छे से भून गए हैं। अब ले लिए हमने यहाँ पर मखाने, तो ये जो आपको लेनी है क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा बाउल या फिर कटोरी लिया है अपना पीनट्स, और यहाँ पे मैंने लगभग एक बड़ा कटोरी ही मखाने लिए हैं, और इसको हम गर्मा गर्म ऑयल में डालेंगे। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, एज ए विश, जैसे आपको पसंद हो। मैंने मखानों में थोड़ा सा जो है घी और थोड़ा सा ऑयल दोनों मिक्स कर दिए हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो इजी आपके पास हो। और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक इस तरीके से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ये सभी चीज़ें डीप फ्राई कर सकते हैं, जैसे मखाने उसको भी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घी ऑयल पी जाते हैं यानी सोख लेते हैं, फिर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि कुछ लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये थोड़ा अच्छा रहेगा कि हम इसमें घी तेल कम यूज़ कर रहे हैं और अच्छे से काम भी हो रहा है, तो हम यहाँ पर कम ही यूज़ करेंगे ऑयल। तो इसको चलाते हुए हम इस तरीके से भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर हमने चलाते हुए मखाने को अच्छे से भून लिया है, और ये देखिए बिल्कुल हमारे मखाने क्रिस्पी हो गए हैं और आराम से टूट रहे हैं, देखिए। तो इसी तरीके से हमारे जो मखाने हैं वो भूनकर रेडी हो गए हैं। इसको भी हम अपनी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। मखाने अच्छे से हमारे क्रंची से फ्राई हो चुके हैं। अब ले रहे हैं यहाँ पर हम चिबड़ा, और इससे हम पोहा भी बनाते हैं, और आप इसकी जगह मुरमुरे भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया है हमने लगभग 3 से 4 कप हम इसको लेंगे, और गर्मा गर्म ऑयल में हम इसको डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसके लिए भी नहीं लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर चला दे बिल्कुल क्रंची होने तक इसको सेकेंगे। तो चलाते हुए हमने ये क्रिस्पी होने तक अपना चिवड़ा अच्छे से भून लिया है, और ये हमने लो फ्लेम पर ही भूना है। और इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं, और अब ले रहे हैं हम यहाँ पर काफ़ी सारा हमने कड़ी पत्ता लिया है, अपने पसंद से कम ज़्यादा आप ले सकते हैं, तो मैंने ये ले लिया है। और अब हम थोड़े से मसाले, मैंने 1 टीस्पून लिया है टर्मरिक पाउडर, साथ में मैंने लिया है अमचूर यानी जो कच्चे आम का पाउडर है वो ले लिया है, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है, और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर चाट मसाला, और साथ में मैंने बहुत थोड़ा सा यानी 1/4 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हमें तीखा नहीं करना। अगर आपको चाहिए तीखा तो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। साथ में लेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब चलते हैं हम अपनी जो कढ़ाई है उसकी तरफ। उसमें मैंने 4 चम्मच यानी 1 बहुत बड़ा वाला चम्मच, बहुत बड़ा भी नहीं है, हाँ 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे चलाते हुए, तब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता अच्छे से भुन जाए तो गैस की फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे बिल्कुल, और इस पे डालेंगे हम 1 टीस्पून जो टर्मरिक पाउडर है वो, और चला देंगे ताकि अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और ये जले ना। तो ये अच्छे से हमारा इस तरीके से मिक्स हो गया है और अच्छे से गर्म गर्म ऑयल में अच्छे से डल गया है। अब डालेंगे हम इसमें जो हमारे सभी चीज़ें हैं, सारे मसाले वो हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे वो भी। और अब डालेंगे हम अपने जो हमने फ्राई करके रखे हैं चिवड़ा, मूंगफली, मखाने, सभी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और लास्ट में अब जाएगा इसके अंदर नमक। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो लगभग हमने 2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर लिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने नमक बाद में डाला है, आप चाहें तो जब मसाला डाला था उसी के साथ भी आप डाल सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस से कभी भी डाल लीजिए और अच्छे से हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। तो ये हमारी क्रंची सी और टेस्टी सी चिवड़ा या पोहा नमकीन बनकर रेडी हो गई है, यानी होममेड नमकीन हमारी रेडी है। तो आप इसको कम ऑयल के साथ कभी भी बनाकर खा सकते हैं। आप इसको बनाकर ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रखिए और महीने भर बड़े मज़े से खाइए। टी टाइम स्नैक्स है और आप इसको कभी भी कहीं जाएं तो पैक करके इजीली आप इसको लेके जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, खाएं, खिलाएं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।